नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 22 मार्च से 18 मई तक क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम ऋतु के अनुसार खान पान रखते हैं, मौसम के अनुसार अपना डाइट फॉलो करते हैं, तो इससे हमें बीमार पड़ने की आशंका नहीं रहती है, हमारा शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। दोस्तों, यह पार्ट टू का वीडियो है। अगर आप पार्ट वन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पर क्लिक करके या इंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है 20 फरवरी से 21 मार्च तक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जान लेते हैं दोस्तों, चैत्र मास यानी कि 22 मार्च से 19 अप्रैल क्या खाना चाहिए। असर कफ दोष का बढ़ना क्या करने की सूची में शामिल है। आपको भोजन ठंडी तासीर और गर्मी को कम करने वाला खाना चाहिए। दालें और पुराने अनाज जौ गेहूं मूंग मसूर आदि का इस्तेमाल करें। छाछ लस्सी नींबू पानी नारियल पानी खुराक में बढ़ा दें। ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का सेवन करें। जितना मुमकिन हो सके उतना आप लस्सी इत्यादि और ठंडी चीज़ें पिएं। रोजाना एक चम्मच शहद ले सकते हैं, आधा चम्मच सौंठ आधा गिलास पानी में उबाल कर पिएं। गुनगुना पानी से स्नान करें, मतलब नॉर्मल पानी से स्नान करें, ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से स्नान ना करें। सुबह नारियल या फिर दूसरे किसी तेल से मालिश करें। जो व्यायाम आसान लगे उसे आप कर सकते हैं। और क्या नहीं करने की सूची में शामिल है, तली भुनी और तीखे मसालेदार अचार आदि से परहेज करें, क्योंकि इनसे पित्त बढ़ सकता है। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिन्हें पचाने में मुश्किल हो, जैसे उड़द राजमा चना इत्यादि। मीठी चीज़ें जैसे चीनी शहद और चिकनाई वाली चीज़ें घी तेल पकौड़े आदि कम खाएं। और आइए अब जानते हैं बैसाख मास में क्या करें क्या न करें। 20 अप्रैल से 18 मई तक इस महीने का असर यह होता है कि कफ दोष बढ़ता है। और क्या करना चाहिए इस सूची में शामिल है, ठंडा तासीर जैसे केला नारियल ज़्यादा खाएं। रोजाना एक से दो आंवला जरूर खाएं या फिर आंवले का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं। आधा चम्मच सौंठ आधा गिलास पानी में उबाल कर पिएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी और दूसरी तरल चीज़ें जैसे नारियल पानी ताज़ा जूस लें। 30 मिनट हरी घास पर चलें सुबह सुबह, ऐसा करना ज़्यादा अच्छा होता है। आंवला और चंदन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चंदन तन और मन की शीतलता को बढ़ाता है। और क्या नहीं करने की सूची में शामिल है, धूप में ज़्यादा देर तक ना रहें, इससे पित्त बढ़ सकता है। हल्की प्रोटीन यानी चाउमीन के बजाय हल्के ऑप्शन जैसे दाल मूंग मसूर इत्यादि खाएं। ज़्यादा नमक और मसालेदार वाली चीज़ें परहेज करें। दिन में ना सोएं, जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर कोई बीमार हैं तो वह आधा घंटा एक घंटे के लिए सो सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।